हेलो गाइस, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ हुआंगशन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। और इससे पहले गाइस, मैंने आप लोगों के साथ हुआलिन और वेंजू भी शेयर कर दिया है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्या दी ये वाली जो स्टोरी है इसमें वेवोशन जो है वो लवांगची का ही पार्टनर रहेगा ना। तो हाँ, ऑफकोर्स वो वांगची का ही पार्टनर है, लेकिन दोस्ती भी एक चीज़ होती है, जैसे कि उसकी और जंगचा की दोस्ती है। यहाँ पर वेवोशन जो है वो जंगचा को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है, क्योंकि जो इंसान थोड़ा सा डिसेबल होता है ना, वो जिस पे बचपन से निर्भर रहा, जिसके साथ रहा, उसे उसकी एक अटैचमेंट होती है। और वो अटैचमेंट जरूरी नहीं प्यार हो, वो अटैचमेंट होती है दोस्ती वाला प्यार, नॉट यू नो सेक्सुअल क्रेविंग वाला प्यार, वो सिर्फ दोस्ती वाला प्यार होती है। तो आई होप आप लोग जंगचा और अगर वेवोशन का साथ रहना होगा तो उसे आप दोस्ती ही कंसिडर करेंगे, कुछ गलत वे में नहीं लेंगे। आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जंगचा जो था वो पिंक को लेकर, जो कि एक ओमेगा है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो डरता है, वो शाय है, जिसकी वजह से वो उसे खींच के आगे ले आता है। और वो धीरे धीरे विभूषण से कहने लगता है, तुम्हें ना इस सेकंड मास्टर लैन से थोड़ा दूर रहना चाहिए। मुझे याद आया, 2 साल पहले ये हमारे युनमक भी आया था, मुझे याद है तुमने अपना जे टोकन इसे उतार के दे दिया था। तो इस बार थोड़ा थोड़ा ना सावधानी बरत के रहना। मुझे लगता है ये यिलिंग लाउजू का अभी भी बहुत बड़ा फैन होगा, जिस तरह से ये उस टाइम भागा भागा आया था। इसे पता नहीं चलना चाहिए कि यिलिंग लाउजू कौन है। और मुझे पता है ये तुमसे आकर ज़रूर पूछेगा कि तुमने यिलिंग लाउजू को इसके वाले जो गिफ्ट्स थे वो दिए या नहीं दिए, बाकी सारी बातें करेगा। तो तुम याद रखना, हम यहाँ पर सिर्फ पढ़ने के लिए आए हैं, फोकस स्टडी पे रखो। इस तरह के जेड जो अल्फा होते हैं वो बहुत रूढ़ होते हैं, मैं नहीं चाहता ये तुम्हारे आसपास भी रहे। यहाँ पर विंग जो था वो मुस्कुराता है और जंगचा को इशारों में बोलता है, तुम क्या समझते हो खुद को, मैं भी चीज़ें समझता हूँ, तुम बार बार मुझे इतना इतना छोटी छोटी बातों पर डांटते क्यों रहते हो, हर चीज़ इतना बताते क्यों रहते हो, तुम्हें डर लगता है कि कोई अल्फा मुझे एक दिन चुरा के ले जाएगा। यहाँ पर विंग हंस रहा था क्योंकि वो जानता है कि जंगचा जो है वो अपनी शिजे और विभूषण दोनों को ही नहीं जाने देना चाहता, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर ओमेगा हैं। वो बहुत ज़्यादा डरता है कि अगर उसकी शिजे और विभूषण की शादी हो गई तो वो क्या करेगा, वो कैसे अकेले सेक्ट को संभालेगा। और जिनके साथ हम बचपन से रहते हैं ना, उन्हें थोड़ा सा खोने से हम डरते हैं। टीनेज एज में वो हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, और जब दोस्तों के बिना लाइफ बितानी हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है, और जंगचा को यही चीज़ हमेशा डर लगता था। यहाँ पर विभूषण मुस्कुराता है, जंगचा कहता है, डराओ मत मुझे, मैं अगर चाहूँ ना तो तुम्हारे अंकल आंटी से कहकर कभी तुम्हें शादी भी नहीं करने दूंगा, मॉन्क बन के मेरा राइट हैंड बना दूंगा, तुम्हें मॉन्क बन के रहना होगा। विभूषण मुस्कुराता है और कहता है, तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि तुम एक पोजेसिव अल्फा हो, तुम्हारे लिए मैं मॉन्क बन जाऊं। विंग यहाँ पर इशारों में बातें कर रहा था, लेकिन तभी उन्हें पता ही नहीं चलता कि कोई साइलेंटली उन्हें फॉलो कर रहा है। यहाँ पर विंग जो है वो आगे जाता है, सारे के सारे कन्फ्यूज थे, वो लोग देख रहे होते हैं कि उन्हें यहाँ पर लैन चिरन के ऑफिस में जाना होगा, क्योंकि यहाँ जेंग फैमिली ने उन्हें कह के भेजा था कि उन्हें यहाँ पर जाना होगा। विभूषण जो है वो आगे बढ़ रहा होता है, और यहाँ पर वो एक लैन डिसाइपल से अपनी साइन लैंग्वेज में पूछने की कोशिश करता है कि यहाँ पर अंकल चिरन मतलब हेडमास्टर चिरन का रूम कौन सा है, लेकिन उसे साइन लैंग्वेज नहीं आती थी। तो वो उसे कहता है, मुझे आपकी भाषा समझ में नहीं आ रही। लेकिन तभी पीछे से वांगची आता है और कहता है, तुम क्या ढूंढ रहे हो, क्या तुम्हें हेडमास्टर चिरन का रूम ढूंढना है। विंग हक्का बक्का रह जाता है, इस इंसान ने इसकी इशारे को कैसे समझ लिया, इसकी साइन लैंग्वेज को कैसे पता चल गया। यहाँ पर विंग पीछे मुड़ता है और उससे इशारों में कुछ पूछता है। वांगची को अभी भी उसके इशारे समझ में नहीं आ रहे थे। ऑब्वियस ही बात है, कोई भी इस जगह पे पहली बार आएगा तो वो अंकल हेडमास्टर चिरन से ही मिलने आएगा, तो ये चीज़ वांगची नॉर्मल जानता था, लेकिन इसके लिए उसे साइन लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं थी। वांगची जो है वो मन मन में सोचता है कि ये क्या पूछ रहा है। तभी जंगचा कहता है, मेरा ब्रदर तुमसे ये पूछ रहा है कि हेडमास्टर चिरन का रूम तुम्हें पता है। वांगची कहता है, वो मेरे अंकल हैं, हाँ मैं ले चलता हूँ तुम लोगों को। वांगची यहाँ पर उसे लेके जाता है, वो सारे के सारे तीनों बहन भाई वेवोशियन जियांगयाली और जंगचा जो है वो हेडमास्टर चिरन से मिलते हैं। पहले बो करके वो सारे के सारे उनसे मिलते हैं। हेडमास्टर चिरन कहते हैं, खड़े हो जाओ, और तुम लोगों ने अपने मुँह क्यों ढके हुए हैं। विंग जो है वो अभी भी घबरा रहा था, वो यहाँ पर जंगचा का हाथ पकड़ लेता है। जंगचा कहता है, वो हम लोग जहाँ भी जाते थे हम लोगों को इस तरह से मुँह ढकने की आदत थी। अंकल चिरन कहते हैं, यहाँ पर मत ढको, और वैसे भी थोड़े टाइम बाद तुम सबको वाइट कलर के कपड़े पहनने होंगे, इन सबको हटा दो वरना तुम ऑड लगोगे, और सारे की निगाहें जो तुम पे नहीं भी जानी चाहिए वो सारी अटेंशन तुम पे जाएगी। ये बात जैसे ही सुनता है तो जंगचा सबसे पहले अपनी हैट निकाल के रख देता है, और यहाँ पर वो अपना मास्क भी निकाल देता है।
क्योंकि यहाँ पर सारे लोग बिना मास्क और बिना इस तरह की वेल पहने हुए थे। यहाँ पर धीरे से जियांग याली भी अपनी चीज़ों को निकाल कर रख देती है। उसके बाद जो लवांग जी सबसे ज़्यादा देखना चाहता था वो क्यूरियस था वीओशन के टाइम पे। जियांग याली और जंगचा जो है वो विंग की तरफ देखते हैं, जो कि अभी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था अपनी टोपी को खोलने में और अपनी वेल को, मतलब अपने मुंह ढके हुए हैंकी को उतारने में। यहाँ पर वो जो है वो जंगचा की तरफ देखता है। जंगचा उसे बहुत ही प्यार से पोलाइटली हाँ बोलता है कि तुम उतार सकते हो। विंग जो है वो धीरे से अपनी हैट को उतारता है। विंग जैसे ही हैट को उतारता है उसकी ओमेगा सेंट यहाँ पर सीधा आकर शिजन और लवांगची को लगती है। शिजन भी उस रूम में बैठे हुए थे और यहाँ पर उनकी बिल्कुल नाक में वो चीज़ हिट होती है और वो कहते हैं ओमेगा। यहाँ पर विंग जो है वो अपनी वेल को उतारता है। विंग इतना खूबसूरत लग रहा था ना जब उसने वेल उतारी कि यहाँ पर अंकल चरण 2 मिनट के लिए उसे देखते रहते हैं। यहाँ पर शिजन भी विंग की खूबसूरती को देखते रह जाते हैं, जो कि यहाँ पर एक साइड बैठ के काम कर रहे थे और किसी को पता भी नहीं चला था कि वो यहाँ पर हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कर्टेन था जिसके पीछे जो है वो शिजन काम कर रहे थे। वो विंग की खूबसूरती को देखते हुए कहते हैं इतना ब्यूटिफुल ओमेगा। यहाँ पर वांगची आगे आता है और वांगची भी जब विंग को देखता है वो हक्का बक्का रह जाता है। विंग बहुत ही इनोसेंट खूबसूरत, उसके चेहरे पे एक बहुत हम्बल सी स्माइल थी लेकिन एक घबराहट थी। वो अभी भी अपने जो रोप्स थे उनके अंदर अपने हाथों को भींच रहा था, उसे डर लग रहा था। यहाँ पर वो सबको देखने लगता है और अचानक से अपने मुँह को छुपा लेता है। यहाँ पर अंकल चरण कहते हैं तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, मुझे पहले ही लेटर आ गया तुम्हारे लिए, खास तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि तुम एक ओमेगा हो। ऊपर से तुम्हें दूसरे लोग तंग ना करें क्योंकि मुझे पता चला कि तुम बोल नहीं सकते, इसलिए मैंने सोचा है कि तुम्हें जिंगशी के पास जो एक जगह खाली है, एक रूम है या फिर कहा जाए एक छोटा सा घर है, उसमें तुम जाकर रह सकते हो। तुम्हारे लिए स्पेशली मैंने अपने नेफ्यू सेकंड यंग मास्टर लवांगची को रखा है। लवांगची तुम्हें आज से वेवुशन का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा, ये वेवुशन है हमारे नए मेहमान और स्पेशल गेस्ट, क्योंकि ये बोल नहीं सकते और ओमेगा है, तो याद रखना इसे कोई बोली ना करे। यहाँ पर वांगची कहता है जी अंकल आपकी बातें सराकों पे अंकल, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सबकी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। वो कहता है कि यहाँ आने से पहले इस ओमेगा को बुली करने के लिए जिन जुशन, जिन गुआंगशाओ के बेटे का जो कज़न है जिन जुशन, उसने यहाँ पर इसे बुली करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर लेन चरण कहते हैं तुम्हें इसे प्रोटेक्ट करना है, तुम्हें ही नहीं बल्कि यहाँ पर कोई और भी है। चरण तुम सुन रहे हो ना? यहाँ पर चरण कहते हैं जी अंकल मैं सुन रहा हूँ। देखो तुम इसे जाली से देख सकते हो, तुम्हें इसे प्रोटेक्ट भी करना है। वांगची जब यहाँ नहीं होगा तो तुम्हारी ड्यूटी होगी, क्योंकि तुम फ्यूचर में सेक लीडर हो, इवन अभी भी क्राउन प्रिंस हो, तो इसलिए तुम्हें सारी चीज़ों को यहाँ पर देखना है। तुम्हारे हाथों में इसकी प्रोटेक्शन देता हूँ। यहाँ पर जैसे ही जो हमारे शिचन थे वो पर्दे से बाहर आते हैं और यहाँ पर वो करते हैं, वो भी वांगची की तरह ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे और जिन्हें देखकर जियांग याली का दिल धड़कने लगता है। जियांग याली ने आज दिन तक जिन जुशन को ही देखा था और पहली बार उसे ऐसा लगने लगा क्योंकि वो पहली बार किसी अल्फा से मिली थी जो कि शायद था उन्हें अवॉइड करता था, तो उनका दिल धड़कने लगा था। उन्हें शायद माँ बाप के चलते ही जिन जुशन को अपने मन में बिठाना पड़ा था, लेकिन यहाँ पर चरण को देखते ही उनके हाथ से पसीने निकलने लगते हैं, वो उन्हें देखती ही रह जाती है। और यहाँ पर चरण की आंखें भी पहले तो विंग पे जाती है, फिर जंगचा पे और फिर जियांग याली पे, जो कि उन्हें ऐसे देख रही थी। शिजन घबरा जाते हैं, शिजन जो है वो देखते ही घबरा जाते हैं। अंकल चरण कहते हैं शिजन क्या हुआ? यहाँ पर शिजन जो है वो जियांग याली की तरफ देखते हैं जो कि उन्हें अभी देख रही थी। उनकी भी पलके नीचे होती हैं और जियांग याली की भी पलके नीचे होती हैं और वो यहाँ पर मन में सोचने लगती है जिन जुशन को मैं आज दिन तक अपने दिल में बैठा के बैठी थी, लेकिन मुझे वो पता नहीं क्यों कभी अच्छा नहीं लगा। लेकिन जैसे ही वो शिजन की तरफ देखती हैं उन्हें वो बहुत अच्छे लगते हैं। मन में वो सोचती हैं कि अगर फादर ने मेरी शादी तय नहीं की होती तो मुझे एक ऐसा ही अल्फा अपने लिए चाहिए था। लेकिन खैर वो अपने मन को थोड़ा सा संभालते हुए कहती हैं कोई बात नहीं, मुझे फादर और बाकी सबका ख्याल रखना है, मैं उनको नीचे नहीं होने दे सकती, मैं उनकी नाक नीचे नहीं होने दे सकती। वो मन में बार बार यही सोच रही थी, रिपीट कर रही थी, लेकिन जब वो पहली बार ही शिजन को देखती हैं उनका दिल फिसल गया था। उनके मन में उनके लिए ख्याल आने लगे थे, उन्हें वो बहुत हैंडसम लगे थे, उनका पोस्चर एकदम हैंडसम था और वो क्राउन प्रिंस हैं। जियांग याली भी पहली बेटी हैं अपने जियांग सेक्ट की और उन्हें पता नहीं क्यों वो अपनी नज़रें हटाई नहीं पा रही थी।
यहाँ पर शिचन जो है वो थोड़े से घबराते हैं और अपने अंकल को देखकर वो वापस से कर्टेन के पीछे चल जाते हैं। उनका दिल धक धक कर रहा था जिस तरह से जियांगयाली उन्हें देख रही थी। वो मन में सोचते हैं, जियांगयाली मतलब ये जो मोहतरमा है ये मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं। लेकिन वो गहरी सी सांस लेते हैं क्योंकि उन्हें ये फीलिंग कभी नहीं हुई थी। वो एक अल्फा है, ऑब्वियसली बात है वो ओमेगा सेंट को सूंघ सकते हैं। और यहाँ पर उन्हें लोटस की इतनी तेज़ खुशबू आ रही थी ना, क्योंकि जियांगयाली और हमारे प्यारे जंगछा और वेवुशन तीनों के पास से लोटस की ही खुशबू आती थी, क्योंकि वो सी साइड से आए थे। यहाँ पर अपने दिल पे हाथ रखकर शिचन मन में सोचते हैं, नहीं नहीं मुझे अपने आप को भटकाना नहीं है, मेरे गोल कुछ और हैं। शिचन मन में सोचते हैं कि मेरे गोल हैं इस सेक्ट की तरक्की, इस सेक्ट को आगे बढ़ाना और बहुत सारी चीज़ें। मैं इस तरह से बहक नहीं सकता, मैं किसी लेडी के पीछे अपने सेक्ट को इस तरह से छोड़ नहीं सकता। और वो अपने आप को समझाते हैं और दोबारा से स्क्रोल में अपने आप को झोंक लेते हैं। यहाँ पर विभूषण की खूबसूरती इनोसेंस को देखकर लवांगची तो मोहित हो जाता है। लवांगची मन में सोचता है, ये इतना सुंदर डिसाइपल है हीलिंग लाउसू का, अगर ये इतना सुंदर है तो वो कितने सुंदर होंगे। यहाँ पर वो विभूषण की तरफ देख के कहता है, मेरा जिंक्षी जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जिंक्षी जो स्टूडेंट क्वार्टर हैं उधर नहीं है, तो आपको मेरे साथ आना होगा। जंगछा यहाँ पर बीच में खड़े होकर कहता है, हेडमास्टर चिरन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, विभूषण मेरे साथ रहेगा और मेरी सिस्टर के साथ। यहाँ पर वो कहते हैं, अल्फाओं के लिए रूम अलग है, ओमेगाओं के लिए अलग है, तो तुम लोग साथ वैसे भी नहीं रह सकते। और मैं नहीं चाहता कोई ओमेगा इसको कल को जाकर बुली करे, क्योंकि ये बोल भी नहीं पाएगा। यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि दूसरे सेक्ट के लोग किस तरह के हैं हमें पता नहीं होता और वो लोग बुली करने लग जाते हैं। इससे पहले चीज़ें कोई बता पाए, कुछ हो पाए, कोई बुरी दुर्घटना हो जाए, इससे अच्छा है कि अलग अलग राह जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जंगछा भर भर कहता है, बट मैं इसके साथ रुक सकता हूँ। वो कहते हैं, अल्फ़ा और ओमेगा अलग रहेंगे, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता, अल्फ़ा जो है वो जल्दी से रट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से किसी भी ओमेगा को वो अपने साथ संबंध बनाने पे मजबूर कर सकते हैं। तुम 16 साल के हो गए हो, तुम्हें हीट और रट की नॉलेज होनी चाहिए। अल्फ़ा और ओमेगा का साथ रहना दोनों के लिए ही घातक हो सकता है और उसके परिणाम तुम समझ सकते हो कितने ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो गए उन दोनों अल्फ़ा ओमेगा के लिए भी और उनके पेरेंट्स के लिए भी। यहाँ पर सारे ही नामी ग्रामे सेक्ट के लोग आए हैं, हम इस तरह की भूल चूक यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकते, वरना बाकी सारे सेक्ट के लोग हम पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए मैंने जो फैसला लिया है सोच समझ के ही लिया है, और अगर तुम ओमेगाओं के बीच में रहोगे तो ओमेगा की हीट तुम ट्रिगर कर सकते हो, और अगर मैं इसे अल्फाओं के बीच में छोड़ दूँ तो अल्फा इसे भूखे भेड़ियों की तरह खा जाएंगे, तो उसकी सेफ्टी के लिए मैंने उसे जिंक्षी के बगल में रखा है। मेरे दोनों सन बहुत अच्छे से कल्टीवेट करते हैं और वो जानते हैं कि उन्हें खुद पर कैसे कंट्रोल रखना है। हम लेंसेक्ट वाले लोग एक बार ही प्यार करते हैं, एक बार शादी करते हैं और एक इंसान के साथ जीते हैं, तो इसलिए तुम्हें इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। विंग लंजा के साथ ज़्यादा सेफ है रेदर देन उन भूखे अल्फाओं के बीच में। यहाँ पर जंगछा गहरी सांस लेता है और उसे ऑब्वियसली बात है सबसे पहले उसके लिए विंग की सेफ्टी आती है। वो कहता है, ठीक है मैं विंग तुमसे मिलने कभी कभी आ जाऊँगा। तो यहाँ पर अंकल कहते हैं, तुम विंग के रूम में नहीं जा सकते, वो एक ओमेगा है, तुम्हें डिस्टेंस बनाना होगा। हाँ तुम सारे मिलके लाइब्रेरी जा सकते हो, कोई काम हो तुम लाइब्रेरी जा सकते हो, इधर उधर बैठ सकते हो, बहुत सारे बेंचेस लगे हैं, लेकिन किसी प्राइवेट कमरे में तुम लोग साथ नहीं रह सकते। एक अल्फा और एक ओमेगा का किसी प्राइवेट रूम में या प्राइवेट क्वार्टर के अंदर रहना मना है। ये बात सुनकर पहले तो जंगछा शॉक्ड हो जाता है कि ये कैसी अजीब सी बात है, वो तो बचपन से साथ रहते आए हैं, वो लोग दोस्त हैं। फिर उसे याद आता है कि नहीं, भारी लोगों के लिए ये चीज़ अच्छी बात है, शायद एक ओमेगा की सेफ्टी के लिए, वरना अगर ऐसी चीज़ें नहीं होंगी तो बहुत सारे ओमेगा की जान खतरे में आ सकती है, वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं और बहुत सारे अल्फा भी जो कि आगे चल के फ्यूचर में सेक्टायर बनने वाले हैं, और ऑब्वियसली बात है सारे के सारे एयर टू द थ्रोन होंगे। तो यहाँ पर जंगछा पहले तो इम्पल्सिव हो जाता है, फिर वो मन में बहुत सारी चीज़ें सोच के कहता है, विंग मुझे माफ़ कर दो, आज से तुम्हें हमसे थोड़ा दूर रहना होगा, बट डोंट वरी, तुम्हें कोई भी चीज़ हो तुम्हें पता है तुम मुझे संदेश भेज सकते हो, तुम फ्लूट से मुझे मैसेज भेज सकते हो, तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें बहुत सारे कोडवर्ड सिखाए हैं, फादर ने भी तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सिखा के भेजा है, तो तुम समझते हो ना। यहाँ पर विंग नोट करता है और कहता है, लेकिन विंग अभी भी घबरा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, उसे पसीने छूट रहे थे, उसे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, वो कभी भी अपने दोस्तों से और बाकी सबसे अलग होके नहीं रहा है, इसलिए उसे नहीं पता
कि वो क्या करे। यहाँ पर जो जंचा होता है ना, उसे बाकी के डिसाइपल उनका रूम दिखाते हैं, जियांग यानली को ओमेगा वाली जगह लेके जा रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा लवांग जी होता है ना, वो आगे आगे चलता है, विंग उसे फॉलो कर रहा था। विंग यहाँ पर अपनी हैट उतार चुका था, सारे लोग उसे उसकी खूबसूरती की वजह से उसे घूर घूर के देख रहे थे। विंग को यहाँ पर डर लगता है, वो बेबी स्टेप चलकर आगे जा रहा होता है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे सारे लोग उसे खा ही जाएंगे। वो धीरे 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 कदम बढ़ा रहा था। लवांग जी देखता है कि वो पीछे मुड़कर कि वो बहुत पीछे रह गया है। वो उसे कहता है, क्या हुआ, तुम इतनी स्लो क्यों चल रहे हो। विंग यहाँ पर इशारे में उसे कहता है, कुछ नहीं, लेकिन वांगची को समझ में नहीं आता। वांगची उसे कहता है, माफ़ कीना, मुझे साइन लैंग्वेज नहीं आती। यहाँ पर विंग उसे कुछ नहीं कहता। वांगची उसे पीछे मुड़कर फिर से देखता है और कहता है, क्या हम पहले कभी मिले हैं। विंग कुछ नहीं बोलता, नीचे सिर झुकाकर आगे चलता रहता है। वांगची कहता है, मुझे याद है, मैं तुमसे मिला था 2 साल पहले, तुम यिलिंग लाउसू के स्टूडेंट हो ना। विंग जो है वो कुछ भी नहीं बोलता। वांगची कहता है, बोलो ना, मैंने तुम्हें कुछ गिफ्ट दिए थे, क्या तुमने यिलिंग लाउसू को दिए, क्या उन्हें वो गिफ्ट पसंद आए। यहाँ पर विंग वांगची की तरफ देखता है, उसकी आंखें बहुत ब्राइट हो गई थी उससे ये क्वेश्चन पूछते हुए। वांगची की तरफ देखते हुए विंग जो है सिर हिलाकर नोट करता है। वांगची कहता है, मुझे पता था कि तुम वही हो, मैंने तुम्हें देखा था, मैं इतना कच्चा दिमाग का नहीं हो सकता, तुम वही थे ना जिसे मैंने वो सारी चीज़ें दी थी। विंग यहाँ पर नोट करते हुए कहता है, हाँ मैं वही इंसान था। वांगजी थोड़ी शांति से बैठता है और कहता है, हीलिंग लाउसू को कैसी लगी वो चीज़ें। विंग जो है वो इशारे में चीज़ें बताता है, लेकिन वांगजी को समझ में नहीं आती। वांगजी कहता है, मुझे तुम्हारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, बट क्या तुम लिख सकते हो। विंग यहाँ पर सिर हिला के हाँ बोलता है। तो वांगची यहाँ पर अपने जिंक्षी में पहले विंग को लेके जाता है और विंग को कहता है, तुम जिंक्षी में आ सकते हो, डोंट वरी, यहाँ पर तुम्हें कोई खतरा नहीं है। अच्छा एक काम करो, तुम जिंक्षी के बाहर बैठो, मैं टेबल शाही और पेन लेके आता हूँ, तो मुझे बताओ हीलिंग लाउसू ने क्या किया। यहाँ पर विंग जो है वो जिंक्षी के बाहर की सीढ़ियों पर बैठ जाता है और यहाँ पर वांगची अंदर से एक छोटी सी टेबल एक स्टूल टाइप में लेके आता है। उसमें यहाँ पर उसने लाकर शाही रखी थी और वो अपने हाथों से शाही को यहाँ पर बनाने लगता है और उसके बाद एक पेपर देता है। विंग ब्रश को यूज़ करके शाही का इस्तेमाल कर यहाँ पर लिख के बताता है कि यिलिंग लाउसू को वो बहुत अच्छे लगे, उन्होंने उसे अपनी कबर्ड में संभाल के रखा है। उस फ्लूट को वो कभी कभी बजाते भी हैं, वो तब उस फ्लूट को बजाते हैं जब वो कोई नई धुन लिखते हैं या फिर इमोशनल फील करते हैं या फिर जब वो ज़रूरत से ज़्यादा खुश होते हैं। ये सुनकर तो वांगची गदगद हो गया था। वांगची कहता है, क्या यिलिंग लाउसू को याद है, उन्होंने मुझे एक टोकन दिया था, तुमने मुझे टोकन दिया था, और मैं 5 साल बाद यानी कि 2 साल निकल गए, 3 साल बाद मैं उनसे मिलने जा सकता हूँ, मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत एक्साइटमेंट है, तुम मुझे ये बताओ ना वो दिखते कैसे हैं, उनका अपीयरेंस कैसा है, क्या वो उम्र में बहुत बड़े हैं या फिर यंग हैं, वो कैसे कल्टिवेटर हैं और उन्हें इतना अच्छा कैसे लिखने को मिलता है। विंग यहाँ पर कहता है, आपने बहुत सारे सवाल एक बार में पूछ लिए हैं, वो लिखकर ये सब बता रहा था, मैं किस किस का जवाब दूँ, खैर मैं आपको यही कहूँगा, हीलिंग लाउसू अच्छे दिखते हैं, वो टीनेज रूप में ही हैं, वो ज़्यादा बड़े लगते नहीं हैं, उनकी कल्टिवेशन पावर भी स्ट्रांग है, उनकी आर्चरी भी बहुत अच्छी है और उनकी उनके बारे में आप जो भी जानना चाहें मैं धीरे धीरे आपको ज़रूर बताऊँगा। ये बात वांगची बहुत खुश हो गया था। यहाँ पर विंग जो था ना वो मन में सोचता है, फिर उसे याद आता है, वो अपने बैग में से कुछ निकाल कर यहाँ पर वांगची को देखता है। वांगची उस चीज़ को देखकर हक्का बक्का हो जाता है, यहाँ पर उसे यकीन नहीं आ रहा था, हीलिंग लाउसू का न्यू एडिशन वांगची के लिए यहाँ पर विंग लेके आया है। वो विंग से पूछता है, क्या तुम्हें ये हीलिंग लाउसू ने दिया है। विंग यहाँ पर सिर हिला के हाँ बोलता है और वो यहाँ पर मतलब पेपर पर लिखता है कि ये बहुत सारी पोइट्री है जो यिलिंग लाउसू ने हाल ही में लिखी थी और ये सारी की सारी बाहर आते ही फटाफट बिक गई, इसकी कोई भी कॉपी किसी के पास बची नहीं, सारी की सारी लोगों ने खरीद ली मुंह बोले दाम पे। मुझे ये चीज़ याद थी कि तुम उनके फ़ैन हो और एक टाइम पे तुमने उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट भेजे थे, इसलिए दिल खुश करके यिलिंग लाउसू कभी भी उन इंसान को नहीं भूलते जो उनके लिए बहुत कुछ एफर्ट डालते हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए चीज़ें भेजे हैं। ये बात बिल्कुल ही सच थी कि विंग को वो चीज़ें याद थी। विंग उस जेड उस प्यारी सी फ्लूट को बजाकर मधुर सॉन्ग सोना करता था और यहाँ पर उसे अक्सर वो इंसान जो कि यिलिंग लाउसू के लिए इतनी दूर से आया था वो चीज़ उसे याद रहती थी, इसलिए वो मन मन में काफ़ी ज़्यादा खुश रहता था और उसने तय किया था कि जब वो यहाँ आएगा तो वो वांगची के लिए अपनी नई एडिशन से कुछ चीज़ें लेके आएगा, क्योंकि वो जानता है कि दूर दरार के लोगों को इतनी इजीली
यहाँ पर उसकी एडिशन के काम उसकी चीज़ें नहीं मिल पाती, तो ये वांगची के लिए अपने हाथों से ही चीज़ें लेके आया था। वांगची की खुशी, वांगची के चेहरे पे चमक देखकर विंग को थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि फाइनली उसने किसी के लिए कुछ अच्छा किया है। यहाँ पर ये इंसान एक टाइम पे इतना सारा खर्चा करके सिर्फ उसकी बुक्स को पढ़ने के लिए आया था, तो इस बार विंग थोड़ा सा एफर्ट तो डाल सकता था ना। विंग मुस्कुराता है और कहता है कि मैं जाऊँ, जर्नी बहुत बड़ी थी, मुझे थकान हो रही है। वांग जी कहता है ऑफ कोर्स, लेकिन आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी ना यीलिंग लाओज़ो के बारे में, प्लीज़ मुझे बताइएगा। विंग देखता है कि ये इंसान कितना सिंसियर है यीलिंग लाओज़ो को लेकर, लेकिन अगर ये इंसान को अभी बता दे कि विंग ही यीलिंग लाओज़ो है, तो क्या इस इंसान का दिल नहीं टूट जाएगा? ये जिस यीलिंग लाओज़ो को ढूंढता आ रहा है उसके सामने खड़ा है, उसके सामने ही है, लेकिन फिर भी विंग बता नहीं सकता। और विंग को ऐसा लगता है कि उसे किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। कितना प्योर है ये जेड, ये ट्विन ब्रदर, जैसे कि उसने यहाँ पर शिचन को देखा था, वो भी बहुत हैंडसम, बहुत प्यारे थे। और ये ऐसे लोग हैं, ऐसे अल्फा हैं जो किसी भी ओमेगा को गंदी नज़र से नहीं देखते। और यहाँ पर विंग जो है वो मन में सोचता है कि ये भी कितना प्योर और इनोसेंट है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था वांगजी से झूठ बोलकर, उसके साथ छल कर, लेकिन क्या करें, उसकी भी अपनी मजबूरी थी। यहाँ पर विंग की थोड़ी सी ना आंखें इमोशनल हो जाती हैं, तो वांगजी कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हारी आंखों में कुछ चला गया, तुम रो रहे हो क्या? विंग कहता है नहीं, कुछ भी नहीं, बस मुझे घर की याद आ रही है। वांगजी कहता है ओह, तो इस जगह को अपना घर ही समझो, डोंट वरी, तुमने मेरे लिए जो गिफ्ट लेके आया है उसके बाद मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। यहाँ पर वांगजी की जो बातें थी ना उसे सुनकर विंग को हंसी आ जाती है। विंग यहाँ पर वांगजी की इनोसेंस को देख रहा था और कुछ नहीं बोलता। विंग यहाँ पर बो करता है और अपने रूम के लिए निकल जाता है। दिखते हैं गाइस आगे कैसा रहेगा। विंग को झूठ बोलकर वांगजी से कितना गिल्ट फील होगा और वांगजी अपने ही यीलिंग लाओज़ो के ख्यालों में खोया रहेगा। क्या धीरे धीरे वांगची की जो फीलिंग है वो विंग के लिए डेवलप होना शुरू होंगी, देखेंगे आने वाले पार्ट में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करें और देखते हैं जब वांगची जो है विंग की नई कलेक्शन को पढ़ेगा तो उसे कैसी फीलिंग आएगी। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।